NS Shrey Dev Studio। और इसके बाद में मेना ने कहा कि देख बेटा, मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूँ, मैंने भी इस ज्ञान का पालन किया, जब तक तेरा पति भोजन नहीं करे जब तक तेरे को भोजन नहीं करना है। ये मेना की एक बहुत बड़ी बात थी। अपना पति जब तक भोजन ना करे बेटा तेरे को भोजन नहीं करना है। और दूसरी बात कि पति कि सदैव आज्ञा का पालन करना है। ध्यान से सुन लेना, लंगड़ा हो, लूला हो, बेहरा हो, सुंदर हो, काला हो, कैसा भी हो, पर अपना पति तो अपना पति है। शंकर के समान उसको दूसरा मत मानो, भोलेनाथ है वो। शंकर के समान उनकी पूजा करना। और बेटा एक बात और है कि तेरा विवाह हो जाए ना तो कभी भी द्वार पे खड़ी मत रहना, क्योंकि इसलिए बात कही है कि द्वार पे खड़ी रहोगी तो गली में सब राम नहीं निकलेंगे, गली में सब बलराम नहीं निकलेंगे, गली में सब कृष्ण नहीं निकलेंगे। बेटा तू द्वार पे खड़ी रहेगी नहीं तो कोई ना कोई तो रावण निकलेगा जो तेरे को गलत दृष्टि से देख कर तेरा हाथ पकड़ के ले जाने में देर नहीं करेगा। कभी भी द्वार पे अकेले खड़ी मत रहना। और इसके बाद में एक और बात कही, ये सब तुम्हारे लिए बात है, एक एक बात ध्यान से सुनना। और कहा कि पड़ोसी के घर पे भी अगर निमंत्रण नहीं आए, पड़ोसी के घर पे बुलावा नहीं आए तो पड़ोसी के घर पे भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, चाहे अपना पति घर पे हो या ना हो, अपनी सासू जी घर पे हो या ना हो, पर पड़ोसी के घर पे भी बिना निमंत्रण बिना बात कहे तेरे को वहां पे नहीं जाना है। और आगे कहा कि देख, जब तक तेरी पति की आज्ञा ना हो तो तीर्थ भी तेरे को नहीं करना है। पति आज्ञा दे तो तीर्थ में जाओ, और पति आज्ञा नहीं दे तो तीर्थ में भी नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा पति कह दे कि 16 सोमवार का व्रत करो तो व्रत करना चाहिए, और अगर तुम्हारा पति कह दे कि व्रत मत करो तो शिव पुराण ने तो यह भी कह दिया कि 11 से वो भी मत करो, सोमवार है वो भी मत करो, और शिवरात्रि आए वो भी नहीं करना चाहिए। पति की आज्ञा हो तो कर्म करें, और पति की आज्ञा ना हो तो कोई भी कर्म ना करें। और एक बात और आती है, आजकल मैंने देखा कि पति तो बेचारा घर पे रह जाता है, धर्म पत्नी तीर्थ करने के लिए चली जाती है। जीवन में तीर्थ में जाने का भी काम पड़े ना तो अकेले नहीं जाना चाहिए, पति को लेकर के जाओ। पति अगर ना जाए तो जबरदस्ती उससे कहो कि मैं तो नहीं आऊंगी, पर आपकी कृपा से मेरे को पुण्य मिलने में देर नहीं लगेगी। जब पति तीर्थ में जाए तो उसके चरण को धो लो, चरण धोने के बाद में चरणामृत पी लो। आपका पति चार धाम की यात्रा करके भी आएगा तो शंकर भगवान ने कहा कि तुमको भी पुण्य मिलने में देर नहीं लगेगी। करो सदा शंकर पद पूजा, शंकर भगवान के समान ही आज भगवान को मानना, शंकर से बड़ा कोई भी नहीं है। आज मेरे भगवान की आज्ञा से इतना इतना सुंदर 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 मेरी भगवान ने मेरी माँ ने ज्ञान दिया कि देख, पति लंगड़ा हो, लूला हो, बेहरा हो, कैसा भी कुरूप हो, स्वप्न में भी किसी दूसरे पुरुष को मत आने देना, ये माँ ने ज्ञान दिया। आज के जमाने में तो लड़ाने भिड़ाने का काम होता है, पर मीना ने इतनी सुंदर बात कह दी कि सदैव तेरे लिए घर है तो ससुराल है, परिवार है तो ससुराल है। और अंदाजा लगा लेना, अगर आपकी बेटी की विदाई हो ना तो ये कह देना चाहिए कि देख, मैंने तेरे को डोली में बिठा करके यहाँ से विदा किया, अगर तेरे को आना भी है तो अर्थी में अब बैठ करके जाए तो ससुराल से ही अर्थी में बैठ करके जाना चाहिए। रो रही है,